नमस्कार, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी के मध्य प्रदेश स्टेट बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अमृता। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले रुक करते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में महागठबंधन की तैयारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मिले लोकतांत्रिक जनता दल के सुप्रीमो शरद यादव, कहा राजनीतिक नहीं सामान्य मुलाकात, संविधान बचाने के लिए आना होगा साथ। एमपी के चुनावी रण में बीजेपी उतारेगी अपनी युवा टीम, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 100 पदाधिकारियों में से 40 को एमपी में किया जाएगा तैनात, बूथ और यूथ पर रहेगी नजर। आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त टीम की कार्रवाई, टीकमगढ़ सहकारी समिति के सहायक प्रबंधन के कई ठिकानों पर छापा मारा, सभी दस्तावेज खंगाल रही टीम, जांच पड़ताल के बाद हो सकेगा खुलासा। राजधानी भोपाल में महंगा हुआ एंटरटेनमेंट, शहरवासियों से 15% मनोरंजन कर वसूलेगा निगम, वन विहार, शौर्य स्मारक, जनजाति और मानव संग्रहालय दायरे से बाहर। और भोपाल के आरिफ नगर में स्कूल बस ने बच्ची को रौंदा, हादसे में बच्ची की दर्दनाक मौत, गुस्साए लोगों ने बस में लगाई आग की तोड़फोड़, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 15 साल से सत्ता में काबिज भाजपा सरकार के खिलाफ सभी पार्टियां एकजुट होने की तैयारी कर रही हैं। प्रदेश में महागठबंधन की चर्चा है। कांग्रेस का बसपा, समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन की अटकलें चल रही हैं। इस बीच लोकतांत्रिक जनता दल के सुप्रीमो शरद यादव भी सक्रिय हो गए हैं। गुरुवार को भोपाल में शरद यादव और पीसीसी चीफ की मुलाकात हुई है, इसको लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि यादव ने इसे राजनीतिक नहीं बल्कि सामान्य मुलाकात बताया है। उन्होंने कहा कि संविधान को बचाना है तो सभी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा, जबकि कमलनाथ ने मुलाकात के बाद कहा कि मध्य प्रदेश को सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए सभी पार्टियों से चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को भाजपा से मुक्त कराना है। अखिलेश मायावती के समर्थन के बाद अगर शरद यादव भी कांग्रेस का समर्थन कर देते हैं और महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो कांग्रेस को जातिगत वोट का खासा लाभ होगा। प्रदेश में समीकरण तेजी से बदल सकते हैं। हालांकि सीटों के बंटवारे पर पेच जो पहले से ही उलझा हुआ है, आगे और भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि चुनाव में पार्टी सारे दाव पेच आजमा रही है। इसी क्रम में पार्टी ने यहां भी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम मैदान में उतारने का प्लान किया है। युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में करीब 100 पदाधिकारी हैं, इसमें से 40 को मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है। युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन भी प्रदेश में चुनाव के दौरान कैंपेन करेंगी। युवा मोर्चा प्रदेश के हर बूथ पर एक संयोजक बना रहा है, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य की योजनाओं को मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए साथ ही युवा मतदाताओं को साधने की रहेगी। प्रदेश में युवा मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व ऐसे 65,200 संयोजक नियुक्त कर रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता से आशीर्वाद लेने सीएम शिवराज ने उमरिया जिले का भ्रमण किया। गांधी स्टेडियम में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने 50 साल शासन किया फिर गरीबी दूर नहीं कर पाई, लेकिन मैं आप सभी की गरीबी दूर करूंगा। वहीं कांग्रेस के पूछे गए सवालों को उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने कहां पैसे खर्च किए कभी बताया, फिर मैं कांग्रेस को क्यों बताऊं? मैं लोगों की जिंदगी बदलने आया हूं। कांग्रेस ने मुझे बीमारू प्रदेश दिया था जिससे मैंने विकासशील बनाया और आगे 5 वर्षों में इसे समृद्ध मध्य प्रदेश बना दूंगा। खाली हो जाएगा, मैंने कहा कितनी बेईमानी होती थी रे गरीबों के साथ, एक कांग्रेसियों खजाने का पैसा तुम कहां लुटाते थे बताओ, शिवराज को तुम कहां ले जाते थे पैसा? मैंने तय किया है कि गरीबों के लिए खजाना खोल दिया जाएगा, जितनी आबादी गरीबों की उतने पैसा उनको दिए जाएंगे। गरीबों का हक कांग्रेस ने नहीं दिया, मामा गरीबों का हक देगा और बजट का उतना पैसा गरीबों पे खर्च करेगा। बताओ गरीबों पे खर्चा होना चाहिए कि नहीं? ये हमारा हक है। मैं जमाने की धारा बदल दूंगा रे बहनों और भाइयों, और मैं जो लकीर खींच दूंगा कोई बदल नहीं पाएगा। ए गरीब आगे बढ़ रे, कब तक आंखों से आंसू बहाएगा, कब तक मजबूर रहेगा, कब तक बदहाली में जिएगा? ये धरती तेरी, ये जल तेरा, ये जमीन तेरी, ये जंगल तेरे, लेकिन तेरे साथ ही अन्याय होता रहा 70 सालों से। शिवराज अन्याय नहीं होने देगा, गरीबों को उनका हक देगा, अधिकार देगा, ताकि गरीब बेटा बेटी भी क्या नारे लगाते रहे, कोरे कोरे नारे लगा लगा के राज करते रहे। हाँ मैं कह रहा हूं शिवराज सिंह चौहान, मैं गरीबी हटाऊंगा,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबी हटाएगी, हम गरीबी हटाएंगे। और ये कोरा भाषण नहीं है, इसका रोड मैप तैयार है, काम इस पर शुरू कर दिया है। हम लोग बैठे पार्टी के सब लोग और देखिए गरीब। शहडोल में सीएम से मिलने पहुंचे भाजपा पार्षदों और व्यापारियों को पुलिस ने गेट पर ही रोक दिया, जिसके बाद गुस्साए बीजेपी पार्षदों और व्यापारियों ने जमकर हंगामा कर गेट पास फाड़कर पुलिस के ऊपर ही फेंक दिया। काफी देर तक विरोध करने के बाद पार्षदों को अंदर जाने दिया गया। वहीं भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लोगों को धक्के देकर गेट से बाहर निकाल दिया। बीजेपी कार्यालय में भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। विधायक के समर्थकों ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक जा पहुंचा। मारपीट तो नहीं कह सकते अपन, नहीं युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बता दो, पार्टी विद डिफरेंस के मान जो यहाँ पे पार्टी के पदाधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उनका नाम से वो बोल रहे हैं कि बेटा इन लोगों ने मारपीट की है। आप अभी मेरे से तो इस विषय में कोई चर्चा हुई भी नहीं है, बात भी नहीं। ठीक है, आपकी पार्टी विद डिफरेंस है कि सबसे अलग चलती है, अनुशासन बहुत प्रिय पार्टी को, तो इस मामले में क्या रहेगा? तो जैसे घटनाक्रम हुई हमें मालूम पड़े, हमारे वरिष्ठ और मैं हम सब लोग मौके पहुंचे, सब कार्यकर्ताओं को हमने जब डाटा समझाया, सब कार्यकर्ता फिर अपने आप जो है मत चले गए। मतलब संगठन में आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी इस मामले? नहीं, बातचीत होगी ना संगठन, भारतीय जनता पार्टी में अगर इस टाइप की कोई घटनाक्रम होता है तो उसकी बराबर अनुशासन कार्यकर्ता का मारपीट हुई है, तो इस मामले में क्या कार्रवाई होगी पार्टी की तरफ से? नहीं, ये तो ये सब चीजें तब हम संज्ञान में लेंगे, संज्ञान में लेने के बाद में संगठन मंत्री जी तक सब बातचीत होगी, इसके बाद जो भी होगा सब देखेंगे। अभी भाई साहब जस्टिस से बात हुई है, वो आ रहे हैं थाने पे रिपोर्ट करने के लिए। कौन? जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा। लोकसभा में होशंगाबाद सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण में देश काफी पिछड़ा हुआ है, इस दिशा में सरकार को काम करने की जरूरत है, इसके लिए सरकार को कड़ा कानून बनाने की जरूरत है, तभी देश उन्नति कर सकेगा। दो बच्चों का बने कानून होशंगाबाद सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने लोकसभा में कहा है कि सरकार को चाहिए कि वे एक परिवार में दो बच्चों के लिए कानून बनाए और इसका सख्ती से पालन भी करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी परिवार में दो से अधिक बच्चे होते हैं तो उसे सरकारी नौकरी और सुविधाओं से वंचित रखा जाना चाहिए। उदय प्रताप राव ने पड़ोसी देश को उदाहरण देते हुए कहा कि चीन इस दिशा में काफी काम कर चुका है, उल्लंघन करने पर सरकारी नौकरी नहीं दी जाए, सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बनने वाले कानून का सख्ती से पालन भी करवाए। जमीन घट रही हो और हम केवल पिछली सरकारों की गलतियों के कारण इन चीजों को छोड़ने उचित नहीं है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जब चाइना में हमसे ज्यादा भूमि है उसने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया, यहाँ तक कि बांग्लादेश ने भी जनसंख्या को रोकने के ऊपर चिंता की, हिंदुस्तान में जहाँ ट्रेनों में जगह नहीं, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं, नौजवान जॉब्स के लिए पलायन कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से मैडम अनुरोध है कि कम से कम इस देश का नागरिक खुले में ऑक्सीजन ले सके, इसके लिए हमारी सरकार, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो डिमोनेटाइजेशन कर सकते हैं, जो GST ला सकते हैं, उन जैसा नेतृत्व ही इस देश में जनसंख्या पर कानून बनाने का काम कर सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस देश में धर्म जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर एक कानून बने जो दो बच्चों का पूरे देश के नागरिकों पर लागू हो, जो इस कानून का उल्लंघन करे मैडम उसको सरकारी नौकरियों से वंचित किया जाए, मताधिकार के प्रयोग से उसे वंचित किया जाए और सुविधाएं हिंदुस्तान में प्राप्त सुविधाओं का लोग सही लाभ ले सके। टीकमगढ़ में लोकायुक्त ने सहकारी समिति के सहायक समिति प्रबंधक मुरारी लाल रावत के कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। लोकायुक्त को सहायक समिति प्रबंधक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। जानकारी के अनुसार सागर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज सुबह मुरारी लाल रावत के 3 ठिकानों पर दबिश दी है। इसके अलावा शहर के अर्चरा क्षेत्र में स्थित आवास और पैतृक गाँव गौर में 2 घरों में लोकायुक्त की टीम की कार्रवाई जारी है।
लोकायुक्त टीम के सदस्य ने सहायक समिति प्रबंधक के घर को सील कर दिया है। घर में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही उन्होंने इस मामले में सहायक समिति प्रबंधक मुरारी लाल रावत से पूछताछ शुरू कर दी है। जांच में मुरारी रावत के पास जमीन से जुड़े दस्तावेज और सोने चांदी के आभूषण होने की जानकारी मिल रही है। उसकी कुल संपत्ति कितने की है, इसका खुलासा दस्तावेजों की जाँच पड़ताल के बाद ही हो सकेगा। भोपाल नगर निगम अब शहरवासियों से एंटरटेनमेंट पर टैक्स वसूलेगा। अब राजधानी में मल्टीप्लेक्स में मूवी देखना, मॉल में गेम जोन का लुत्फ लेना और सैर सपाटा आना जाना महंगा हो जाएगा। इसके साथ ही इसके दायरे में केबल डीटीएच सेवा, मोबाइल के रिंगटोन, प्रदर्शनी, सर्कस, संगीत कार्यक्रम भी शामिल। निगम इन पर 15% टैक्स वसूलेगी, जबकि चार सेवाओं पर ये टैक्स नहीं लगेगा। वन विहार, शौर्य स्मारक, जनजाति और मानव संग्रहालय और भारत माता का मंदिर कर के दायरे में नहीं आएंगे। नगर निगम परिषद की बैठक में मनोरंजन कर के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। पहले ये टैक्स राज्य सरकार वसूलती थी, लेकिन जीएसटी में इसका प्रावधान नहीं है। इसके चलते अब निगम 15% मनोरंजन कर वसूलेगी, सरकार 20% कर लेती थी। राजधानी भोपाल के आरिफ नगर में स्कूल बस ने एक बच्ची को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने बस को आग के हवाले करने के साथ जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की। घटना उस वक्त ही की है जब बच्ची सड़क किनारे खेल रही थी, तभी उधर से आ रही बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद बस ड्राइवर वहां से भाग निकला। गुस्साए लोगों ने आगजनी के साथ तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालात को संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। इंदौर के दीप गांव के पास तेज गति से आ रही कार ने 14 साल की बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई, तो वहीं परिजनों ने बालिका के शव को थाने के सामने लाकर चक्का जाम किया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई है। इंदौर में भागीरथ पुरा नाले के पास एक बोरे में सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बोरे को सबसे पहले पास से गुजर रहे लोगों ने देखा और जब बोरे को खोला तो उनके होश उड़ गए। बोरे में एक सिर कटी लाश पड़ी हुई थी। खौफनाक बात तो ये है कि लाश के हाथ और पैर भी गायब थे, जिसके बाद लोगों ने तुरंत घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। शव को देखकर आशंका जताई जा रही है कि लाश करीब एक दिन पुरानी है और किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या करने के बाद सिर और हाथ पैर काट कर बाकी बचे हुए धड़ को बोरे में बांध कर नाले के पास लाकर फेंक दिया है। मृतक की उम्र 14 से 20 साल के बीच होने की संभावना जताई जा रही है। अभी तक ये शिनाख्त नहीं हो पाई है कि लाश किसकी है। पुलिस मृतक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। ये सुबह 7:15 बजे करीब सूचना मिली थी कि एक बोरे में कुछ सस्पेक्ट है, जिसमें देखा गया, चेक किया गया एफआरबी के द्वारा, तो उसमें एक युवक का धड़ मिला और ये कपड़े में जीन्स हैं, सिर्फ उसके कटा हुआ जीन्स ही मिला है। बोरी के अंदर उसको बंद करके दरी में लपेट के उसको फेंका गया है। घटनास्थल निश्चित तौर पर कहीं और का हुआ, क्योंकि यहाँ ब्लड पूल और कोई ऐसी और संभव नहीं मिला है, एविडेंस नहीं मिला है। तो संभव है कि रात के समय देर में किसी ने गाड़ी से ला के इसको बोरे में यहाँ फेंका हो। चूँकि शिनाख्त के लिए और कोई अभी ना तो सिर मिला है और ना उसका और कोई आइडेंटिफिकेशन का मार्क मिला है, शिनाख्त के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो भी आसपास के जो इंसान हैं और जो भी और सूचना तंत्र है उसके मजबूत करके उससे हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा एफएसएल टीम ने बारीकी से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी घटनास्थल ही कर ली है और घटनास्थल के और साक्ष्य लिए हैं, आसपास जो है सर्चिंग करा रहे हैं। जो कि कटनी में कलयुगी पिता ने अपने 11 महीने के मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। दिल दहला देने वाली घटना उत्तमपुर टिकरी गांव की है, जहां आरोपी पुस्सू कोल का किसी बात पर अपनी पत्नी से विवाद हो गया था। विवाद के दौरान आरोपी पुस्सू ने मासूम बेटे को उठाकर दीवार पर दे मारा। दीवार से टकराने की वजह से मासूम का सिर फट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी की पत्नी ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के बारे में कुछ नहीं बोल रही है। हाँ, लेकिन उतना जरूर बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त आरोपी पुस्सू शराब के नशे में था। जावर थाने में अभी दो चोरियों के मामले में 6 आरोपी थे, उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया गया था और उन्हें पुलिस रिमांड के अंतर्गत हवालात में रखा गया था। हवालात में जो दरवाजा है उसे तिरछा करके रात में करीब 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में
ये छह आरोपी यहाँ से निकल गए जो मेन गेट में ताला था उसे भी तोड़ा गया। और इंदौर पुलिस ने तीन बाइक चोरों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए तीनों चोर बीते लंबे समय से न केवल इंदौर बल्कि देवास और उज्जैन में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में चोरों ने अन्य शहरों में भी बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है। साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि इन चोरों के टारगेट पर खासतौर पर बुलेट हुआ करती थी, क्योंकि बुलेट इन दिनों युवा में खासी लोकप्रिय है और उसे बेचने पर ज़्यादा रकम भी मिलती है, इसलिए चोर उसे ही टारगेट किया करते थे। तीनों बाइक चोरी करने से पहले बकायदा रेकी करते थे और फिर मौका पाते ही बाइक चोरी कर फरार हो जाते थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए तीनों चोरों से पूछताछ में जुटी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि पूछताछ में चोरों से और भी कई वारदातों के खुलासे हो सकते हैं। दमोह में खाना बनाते समय एक महिला आग में बुरी तरह झुलस गई, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक महिला खाना बना रही थी, तभी अचानक उसकी साड़ी में आग लग गई, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। महिला की गंभीर हालत को देखते उसे तुरंत जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहाँ पर उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। दमोह में एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई। जमीन में पड़े टीवी के तार की चपेट में आने से महिला बुरी तरह से झुलस गई, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। उज्जैन में 8 करोड़ की लागत से बनने वाला स्विमिंग पूल बीजेपी के लिए गले की हड्डी बनता दिख रहा है। स्विमिंग निर्माण बीजेपी के चुनावी मुद्दे में शामिल था। शुरुआत में इसका काम काफी जोरों शोरों से भी चला, लेकिन वक्त के साथ साथ निर्माण कार्य की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। नजर अली परिसर में स्विमिंग पूल के साथ युवा बुजुर्ग और बच्चों के लिए अलग अलग योगा और एक्सरसाइज जोन बनाए जाएंगे। बच्चों के लिए प्ले जोन भी तैयार किया जा रहा है। परिसर का निर्माण गुजरात की कंपनी कर रही है। कंपनी अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य में पूर्ण होने में काफी समय लगेगा, लेकिन बीजेपी निर्माण बोर्ड काम को जल्द करवाने में तुला हुआ है। मध्य प्रदेश में सड़कों को लेकर अक्सर सियासत होती रहती है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर हैं। लेकिन सीएम के इस दावे की पोल खोलती तस्वीरें कटनी में सामने आई है, जहां खराब रास्तों के चलते एक महिला को रास्ते में ही प्रसव करना पड़ा। अच्छी बात तो ये है कि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना ने सीएम शिवराज के दावे की पोल खोल दी है। मामला कटनी की विजय राघवगढ़ तहसील के गाँव का है, जहाँ एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन 108 नंबर पर सूचना दी, जिसके बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन वो प्रसूता को अस्पताल ला पाती इससे पहले रास्ते में कीचड़ में फंस गई। तमाम प्रयासों के बाद भी जब एम्बुलेंस कीचड़ से नहीं निकली तो परिजन प्रसूता को बाइक से ही अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन कीचड़ के चलते कोशिश भी नाकाम रही, जिसके बाद परिजन वापस प्रसूता को लेकर एम्बुलेंस में पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए एम्बुलेंस में ही महिला की डिलीवरी कराई। छिंदवाड़ा में बारिश के मौसम में बीमारियां बढ़ गई हैं। अस्पताल में वायरल इन्फेक्शन उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और रोजाना कई लोग बीमार हो रहे हैं। अचानक लोगों के बीमार होने से जिला अस्पताल के सभी वार्डों से मरीज भरे पड़े हुए हैं और हालात ये बन गए हैं कि अब मरीजों का इलाज फर्श पर लिटाकर ही करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि बारिश के मौसम में बीमारियों से बचने के लिए लोगों को खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, साथ ही उबला हुआ पानी पीना चाहिए। इंदौर में आम जनता की सुविधा के लिए एमटीएच अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया था। अस्पताल में सुविधाओं के लिए तकनीशियनों की एक टीम भी तैयार की गई। वहीं मरीजों के इलाज के लिए विशेषज्ञ टीम डॉक्टर्स समेत तैयार की गई, लेकिन लंबे समय से अस्पताल का काम होने के बावजूद भी अभी तक इसका काम पूरा नहीं हो पाया है। अब देखना ये होगा कि अस्पताल को लेकर आखिर मरीजों का इंतज़ार कब तक खत्म होता है। उज्जैन के नागदा में रहवासियों को आगामी 5 साल के लिए पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। यहां नगर पालिका ने एक फरमान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि रहवासियों ने यदि 15 अगस्त 2018 के पूर्व नल कनेक्शन नहीं लिए तो उन्हें 5 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। शहर में इन दिनों सड़क निर्माण और पेयजल लाइनों के कनेक्शन का वितरण चरम पर है। जिन क्षेत्रों में नवीन नल कनेक्शनों का वितरण हो चुका है, वहाँ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सड़क निर्माण के बाद से कनेक्शन नहीं दिए जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर नगरपालिका अध्यक्ष अशोक मालवीय द्वारा रहवासियों को 15 अगस्त के पूर्व कनेक्शन प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है। आपको बता दें कि इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते नगरपालिका की ओर से पेंडिंग पड़े निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करवाया जा रहा है।
राजगढ़ के ब्यावरा में अपात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इसके साथ ही सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया गया है। मामला आगर पंचायत का है, जहां दो ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सीईओ, सरपंच, सचिव और हितग्राही के खिलाफ धांधली का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जितने पीएम आवास बांटे गए हैं उनमें जमकर धांधली हुई है और अधिकतर आवास अपात्र हितग्राहियों को दिए गए हैं। इसके लिए उनसे मोटी रकम भी लाई गई है। याचिका में ये भी कहा गया है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शादी के समय पति से एक वचन और लिया जाना चाहिए कि वो कभी अपनी पत्नी को कुपोषित नहीं होने देगा। ये कहना है प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस का। विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत खंडवा में गौरीशंकर सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची अर्चना चिटनीस ने ये बात आशा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में एक समय ऐसा था जब काफ़ी बच्चे कुपोषण से ग्रसित थे, लेकिन अब स्थिति में काफ़ी सुधार आया है और हम प्रदेश के माथे से कुपोषण का कलंक मिटाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मंत्री चिटनीस ने साथ ही ये भी बताया कि बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत के समान होता है और बच्चा तभी स्वस्थ हो सकता है जब माँ स्वस्थ होगी। कार्यक्रम के बाद मंत्री चिटनीस ने जिला अस्पताल के NRC और शिशु वार्ड का निरीक्षण भी किया। कॉलेज पढ़ने वाली बिटिया और बिटिया ही क्यों, बेटों को भी बताना चाहिए कि जब तुम पिता बनो या जब माँ ये खुशखबरी दे, पति ये खुशखबरी दे कि तुम बात करने वाले हो, तो सबसे पहले चिंता करो कि खुद बात में खाओ और उस माँ को पहले खिलाओ जिसके पेट में तुम्हारा बच्चा। बेटों को भी ये समझाने की तुम ध्यान अपने बच्चे का रखते हो वैसा ध्यान अपनी पत्नी का रखना सीखो। और हम अपनी बेटियों को सिखाते हैं पहले पति को खिला बाद, और फिर बेटी को इस बात की कॉन्शियसनेस वो गुड़ियों को खिलाती है तब से आ जानी चाहिए। गुड़ियों को खिलाते खिलाते हम बच्चों को माँ बनने की तैयारी कराते हैं। ये व्हाट्सएप का खेल मुझे नहीं पता क्या सिखाता है, लेकिन हम पुराने समय में अगर चोर सिपाही खेलते थे तो वो भी क्राइम करना कब सिखाता था। उज्जैन में खेल और युवा कल्याण विभाग और मालवा कला एकेडमी इंदौर की ओर से सम्मान कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों को मालवा खेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संपूर्ण प्रदेश से लगभग 100 खिलाड़ियों की ओर से अवार्ड हेतु आवेदन दिया गया था, जिसमें से विशेषज्ञों की चयन समिति ने 7 खिलाड़ियों को चुना। वहीं वैष्णवी कहार को मलखंभ में राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर अवार्ड प्रदान किया गया, जिसमें उन्हें 11,000 की नकद राशि दी गई और आकर्षक मालवा ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। साथ ही प्रशिक्षण केंद्र की खिलाड़ी संजना प्रजापति जेसिका प्रजापति द्वारा हाल ही में उज्जैन में आयोजित शालेय राज्य स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने और 21 से 5 अगस्त 2018 तक होशंगाबाद में आयोजित शालेय योग स्पर्धा हेतु प्रशिक्षण केंद्र से जयश्री राठौर, संजना प्रजापति, प्रणव कोरी, अभिषेक यादव उज्जैन संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए पत्रिका टीवी।